A charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meter. With its length 1 meter more than twice its breadth, what should be the length and breadth of the hall? देखिए हमें क्या है, गिवन क्या है, हमें गिवन है एरिया ऑफ हॉल, ये क्या है, ये है ए, ये क्या है 300, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल है ये, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है हमें, ठीक है। अच्छा मैं कहता हूँ अज्यूम कर लो, अज्यूम ब्रेथ, इसकी ब्रेथ क्या है, ब्रेथ बी है एक्स, तो ऑटोमेटिकली लेंथ कितनी हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ हॉल, लेंथ ऑफ हॉल क्या हो जाएगी एल, ये क्या है डबल, इसके डबल से एक ज़्यादा, 2x+1। अब एरिया ऑफ हॉल क्या होगा, एरिया ऑफ हॉल इज इक्वल टू ए, ये क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी लेंथ है 2x+1, ब्रेथ कितनी है x, और ये क्या है, ये है 300, ये हमारे को गिवन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ ये हो गया 2x² + x इज इक्वल टू 300, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2x² + x - 300 इज इक्वल टू 0, ये आ गया लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है, मुझे ऐसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ब्रेक करना है ताकि ये जो 1x है, ये जो 1x है, देखिए इसको लिखता हूं +1x, इस 1x को मुझे ऐसे ब्रेक करना है कि इनको मल्टीप्लाई करूं, तो प्रोडक्ट कितना है 2 × -300 यानी -600, इस 1 के दो पीसेस करने हैं ताकि मैं उनको मल्टीप्लाई करूं, इस 1x के दो पीस करने हैं ताकि मैं उन्हें मल्टीप्लाई करूं, तो कितना आ जाए -600 आ जाए। तो मैंने 25 और 24 करा, 25 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा, बीच में माइनस का साइन भी है, ठीक है ना, बीच में माइनस का साइन भी है, तो वो क्या हो जाएगा -600। तो यहाँ से आ गया दिस एम्प्लॉयज 2x² + 25x - 24x - 300 इज इक्वल टू 0, यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, तो ये क्या आ गया 2x + 25, यहाँ से मैंने 12 कॉमन लिया, तो क्या आ गया 2x + 25 इज इक्वल टू 0। आप 24 को 12 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 300 को 12 से डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, आप सिंपल आराम से सॉल्व हो जाएगा, देखिए 2x + 25 और x - 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया, या तो 2x आ गया -25, या तो क्या आ गया x - 12 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 12, यहाँ से क्या आ गया x इज इक्वल टू -25/2 जो कि नेगेटिव है, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, ये क्या है नेगेटिव ब्रेथ, x हमारी क्या थी ब्रेथ थी, नेगेटिव ब्रेथ नॉट पॉसिबल, ये क्या है, ये है हमारी ब्रेथ, ब्रेथ इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -25/2, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से मैं कह देता हूं देयर फोर ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ होगी 12, ब्रेथ थी x, लेंथ क्या है, लेंथ है 2x + 1 यानी क्या 2 × 12 + 1, ये कितना आ गया, ये आ गया 25, ठीक है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने को बोला था ना, क्लियरली लेंथ कितनी होगी, लेंथ हो गई 25, ब्रेथ हो गई 12, यही निकालने को बोला था, हमने फाइंड कर लिया, आंसर हो गया।